दोस्तों आज मैं खाली बैठा हूँ, मेरे हाथ खाली हैं। आज स्टिक है अनीता के हाथ में, अनीता ब्लॉगर। तो नमस्कार अनी क्लास ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों प्रातः हो चुकी है, हम लोग सभी उठ चुके हैं। उठने के बाद नहा धो लिया है, अनीता को भी नहलाया दोस्तों आज, सासू माँ ने भी नहा लिया है और बच्चे को भी नहलाया दोस्तों। बच्चा नहलाने के बाद से ही ऐसा सो रखा है दोस्तों, दो तीन दिन से उन्हें रो रो के जैसा बुरा हाल किया था, लेकिन आज अच्छे से सो रखा है नहलाने के बाद। हमें तो पता भी नहीं था कि बच्चे नहलाने के बाद इतने अच्छे से सो जाते हैं। तीन दिन हो गए थे, तीसरे दिन नहलाया था, इसलिए ये नहलाया था कि अलमड़ में बारिश से ठंडा था, तो जिस कारण उसको बच्चे को नहला नहीं पाए थे। आज नहा के इतना शानदार करके सो रखा है, तब से सोया ही है। और मैं अभी छत में हूँ, मम्मी भी है और अनीता भी है, आओ उनसे मिलाते हैं आपको। तो इनको दो घंटे हो गए छत में, अनीता है और मम्मी भी बैठी हैं और नीचे हमारा गुन्नू सोया है। आज सुबह से भूखे हैं दोस्तों, इन्होंने आज कुछ नहीं खिलाया दोस्तों, हमको अभी तक काम नहीं है। आज सुबह से भूखे हैं ये लोग, किसी ने कुछ नहीं खा रखा है क्योंकि सुबह से काम इतना था, क्योंकि कल घर भी जाना है हम लोगों को, इसलिए सुबह से हल्की फुल्की पैकिंग तो नहीं कर रखी है, हल्का फुल्का सामान रखा हुआ है। और ये लोग 9 बजे उठ रहे हैं, तो आप कहाँ से नहलाएंगे, है ना, कहाँ से खाएंगे। आराम से उठे दोस्तों, आज उठने के बाद नहा दोगे, बस बैठे ही हैं छत में। और मैं कढ़ी चावल रख के आया हूँ चूल्हे पे, और छत में आए हैं, हमने कहा जरा ब्लॉग बना लेते हैं आप लोगों के साथ। तो अनीता भी आज कुछ बोलने के मूड में नहीं है और बड़ी मुश्किल से छत में चल के आई है आज। इसको ये 12-13 दिनों से छत में आई है आज, क्योंकि ऑपरेशन हो गया था तब से अंदर बाहर जाना बंद था, आज बड़ी मुश्किल से छत में आई है। कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने नहाया भी है 3-4 दिन बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ दोस्तों आज घिस घिस के नहला रखा है, 1 क्विंटल मेला निकला है पूरा। कल मम्मी लोग जा रहे हैं घर को, मैं भी जा रहा हूँ साथ में, अनीता भी आएगी। सभी जा रहे हैं हम लोग, लेकिन आज धूप इतनी सेक ली है, बहुत सेक ली है। कहाँ लग रहा मम्मी गम में? हाँ और पेट में कहाँ लग रहा? बढ़िया लग रहा। खाना बनना हो गए बढ़िया, मुआ झोई बनने और भात बनना, अनीता ऊपर रोड बननी, फर्स्ट क्लास आज चटपटी झोई। अनीता को भी थोड़ी सी झोली खिलानी है आज, अभी मिर्च डाली नहीं है, हरी मिर्च मैंने उसमें, अनीता के लिए निकाल देंगे उसके बाद डालेंगे। गुन्नू भी सोया हमारा, खाना बना दिया हमने, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना बन रहा है, कल तक दलिया भी आ जा रहा था, अंडा भी आ जा रहा था, चाय बिस्किट भी आ जा रही थी, पपीता भी आ जा रहा था, और आज तो कुछ भी नहीं दिया, हद है। दोस्तों या तो काम ही करा लो या फिर खाना ही बनवा लो, जल्दी बनाओ खाना, मुझे बहुत भूख लग रही है। काम 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 तो बहुत करा खे रहा सुबह से, काम भी कर लिया दोस्तों, अब खाना तो बनी रहा है, खा लेंगे। खाना मजाक कर रही थी यार, थोड़ा अगर वेट तो। थोड़ा लेट खाएंगे तो ज्यादा खाएंगे, इसलिए हमने आज जानबूझ के लेट किया है खाना। इसके बाद पैकिंग भी करनी है घर जाने की, कुछ पैकिंग नहीं है, मैं तो 2-4 दिन के लिए जा रहा हूँ दोस्तों, छुट्टियाँ है नहीं, और हमारी पैकिंग करवाओगे आप? इनकी पैकिंग ज्यादा है तो इनको सारी पता नहीं रहना ही पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं शानदार धूप खिली हुई है कई दिनों बाद, यह अल्मोड़ा का नज़ारा है, सुनहरी धूप, सभी लोग अपने घर के बाहर छतों में आके बैठे हुए हैं, कपड़े सुखा रहे हैं, हमने भी आज बहुत कपड़े सुखा रखे हैं दोस्तों। ये देखिए ये भौंके कपड़े हैं कई दिनों के, ये देखिए हमारे खतियाड़ी का मोहल्ला, काफ़ी घनी आबादी है खतियाड़ी में, पहले कुछ नहीं हुआ करता था लेकिन अब बहुत कुछ हो चुका है। आसमान साफ है आज, ये देखिए भूख लग चुकी है कि सुबह से कुछ खा ही नहीं रखा है, खाली चाय पी रखी है, बस काम ही इतना था, साफ सफाई, कपड़े नहाना धोना, अनीता को नहलाया, कई काम करे दोस्तों आज, भाव को नहलाया और भाव को धूप सिखाई है सुबह से, तो आज बहुत काम था। अब खाना बन रहा है, बस जाके खाना खाते हैं, उसके बाद पैकिंग करनी है, बहुत सारी पैकिंग करनी है अनीता की आज, बच्चे की, और नामकरण की व्यवस्था फ़ोन से ही करवा दी है दोस्तों, आजकल तो फ़ोन हुए, और 2 दिन मुझे मिलते हैं, 2 दिन में हल्का फुल्का अभी कई सामान खरीदना है जाके,
फिर करते हैं, फिर आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या हम क्या क्या आयोजन हमने कर रखा है, क्या क्या कर रखा है, खाने की व्यवस्था क्या है, आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। अनिता की हालत ख़राब है, अब जा रहे हैं नीचे कमरे की तरफ। मैं तो कह रहा हूँ कि एक लाठी लेके लाठी ला दूँ, लाठी टेक टेक के दोस्तों अच्छा रहता है चलने में, मजाक बनाना ना आसान होता है। ऐसे थोड़ा आज बालों की डेंटिंग पेंटिंग कर रखी है क्योंकि घर जा रहे हैं, नामकरण है, कई काम है, तो हमने कहा थोड़ा हम भी अपनी शान शौकत कर लें। अनिता छत से बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँची हुई है नहा धोके, ये घर जाने की प्रैक्टिस कर रही है, अपने घर चलने की प्रैक्टिस। दोस्तों अनिता खूब चल रही है छत में नीचे ऊपर, घर में थोड़ा चलना पड़ता है, वो आपको लाइव शो दिखाया जाएगा कि कितना चलना पड़ता है। नामकरण का भी दिखाना हम देखेंगे यहाँ से, नामकरण का तो दिखाएंगे ही, ब्लॉग बनेगा उसका, अच्छा सा ब्लॉग बनेगा, अनिता बनाएगी कुछ, मैं बनाऊंगा। अनिता तो आपसे अच्छा बना रही है ब्लॉग। हाँ अच्छा बना रही है, अच्छा बना रही है अनिता हमसे अच्छा बना रही है। आज मेहंदी भी लगा दी है सर में, बिल्कुल घर जाना है तो थोड़ा शान शौकत तो करनी पड़ेगी। नामकरण में बैठना है, नामकरण में भी बैठना है, एक भौके बोझू बन गई हो नामकरण करना, क्या करें, समय के साथ साथ दोस्तों सब करना पड़ता है, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग सही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं गई थी यहीं बगल में हमारे मॉल है उधर, बेबी के लिए थोड़ा सामान लेना है क्योंकि कल हमको घर जाना है, तो घर में हमारा घर मार्केट से काफ़ी दूर है तो सामान यहीं से रख के ले जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं गई थी और मेरी मम्मी गई थी मेरे साथ में, तो मैं कुछ सामान लेके आई। ये और ये सामान तो घर के लिए है, जो मेन सामान है वो इसमें, ये मैं वाइप्स लेके आई बेबी के लिए क्योंकि तो कभी कभी बहुत ठंडा हो जाता है, अगर नहीं नहला पाए तो वाइप्स से क्लीन करने के लिए। और ये है बेबी के लिए पाउडर, और ये है बेबी का क्रीम, टाई में डेटॉल में उसके कपड़े निकालने के लिए डेटॉल, टाई में मालिश के लिए तेल, बच्चे का कपड़े धुलने के लिए इजी लेके आई, इसमें निकालूंगी फिर डेटॉल में निकालूंगी। ये है बेबी के लिए शैम्पू, शैम्पू मेरे पास पहले का भी रखा हुआ है इसलिए मैं छोटा वाला लाई और सब कुछ बड़ा लेके आई हूँ। ये शैम्पू मेरे लिए सेंसोडाइन कोलगेट, मैं सेंसोडाइन ही यूज करती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, है? इससे क्या होता है, मेरे दांत मजबूत होते हैं। सोप, एक सोप इसमें है और एक सोप पाउडर में है, दो सोप हो गए। और बेबी के लिए काजल, इसको भी मैं बेबी के लिए लाई हूँ क्योंकि कभी कफ कोल्ड हो जाता है बेबी के लिए या पेट में दर्द हो जाता है, तो इससे अगर चेस्ट में मालिश करते हैं तो उससे रिलीफ मिलता है बेबी को, इसीलिए मैं बेबी के लिए हिम भी लेके आई। बाकी ये तो सब घर के लिए है, घर का सामान है, इसमें भी सब घर का सामान है। पहले भी हमने बेबी के लिए शॉपिंग करी थी लेकिन तब डर डर के शॉपिंग करी थी क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि पहले ही शॉपिंग नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमने हल्का फुल्का जो चीज़ हमें हॉस्पिटल में लगेगा वही चीज़ हमने शॉपिंग करी थी, जैसे एक दो जोड़े कपड़े और सारी चीज़ें हमने खरीदी थी, बट सब छोटा छोटा खरीदा था, इसीलिए आज भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। तो आज मैं सब कुछ बेबी के लिए फर्स्ट बार बड़े खुशी के साथ बहुत एक्साइटेड होकर शॉपिंग करके लेके आई हूँ बेबी के लिए सारा सामान, जो उसके एक डेढ़ महीने के लिए हो जाएगा, इनफ है। खाना देखिए, रोटी, अंडा, लौकी की सब्जी। हाँ लौकी की सब्जी कैसी बना रखी मम्मी ने सब्जी, बहुत टेस्टी, मजा आ गया। सब्जी टेस्टी बनाती है मम्मी, मजा आ जाता है, ना इसमें मसाले है ना इसमें कुछ है, बट मस्त है, मजा आ गया। कल तक मम्मी घर जा रही थी। क्या करें, घर तो जाना ही है भाई, अपना अपना घर हर किसी को देखना है, बेचारी ने इतने दिनों से मार चक्कर से घर छोड़ा है। तो आज का दिन बहुत ही बिजी था, सुबह से नहाना धुलना, बच्चे को नहलाना क्योंकि आज 3-4 दिन बाद धूप आई थी, कपड़े धुलना, तो सुबह से मम्मी ये सब बिजी थे काम में, मुझे तो खैर कुछ करना नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से अभी हमारी पैकिंग वगैरह हो गई है, पैकिंग वगैरह करके मम्मी ने खाना बनाया, खाना खा के दूध दूध पी के अब बैठे हैं, अब कल सुबह का वेट है, कब सुबह हुआ कब हम लोग घर के लिए निकले। तो दोस्तों देखो मम्मी की अभी भी पैकिंग पूरी नहीं हुई है, अभी भी मम्मी कपड़े वपड़े तय करने में ही लगी हुई है, और बता पे मम्मी दो दिन यहाँ फसला गया,
अब घर जान ची बे वो तो अपन घर पर चली कदू याद होने घर अच्छा कदू अगर मम्मी अलग से जा रही होती तो हमें ज्यादा बुरा लगता। अभी हमें बुरा लग तो रहा है बट उतना नहीं लग रहा क्योंकि बागेश्वर तक तो हमने साथ ही जाना है इसीलिए। फिर उसके बाद कितना बुरा लगता है फिर बताएंगे आपको। तो मेरे को बुरा लग रहा था बट मम्मी मुझे समझा रही है बुरा मत लगा, दो दिन बाद तो मैंने तेरे ससुराल ही आना है, दो दिन बाद तो नामकरण है वही आना है मेरी। तो मैंने कहा हाँ ये भी सही कह रही है, दो दिन बाद तो भी मिलना ही है। कल को सासू माँ जा रही फिर अपने घर, आपको कैसा लग रहा है? ले जाने मेरे को ही है दोस्तों, बागेश्वर तक जाना है कि बागेश्वर मम्मी को मम्मी के घर छोड़ना है, फिर हमने जाना है अपने गांव, फिर दो दिन बाद मम्मी वहीं आ जाएगी। बुरा भी लग रहा है अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है मम्मी ने हमारा इतने दिन साथ दे दिया, इस दौरान हमारे कई खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ रहे। 24 तारीख को हल्द्वानी जाना, फिर वहाँ कई स्ट्रगल करना, फिर शाम को ऑपरेशन होना, फिर अगले दिन दो तीन दिन टेंशन भरे रहना, फिर वहाँ से दोनों को अच्छे से आप लोगों की दुआओं से अच्छे से सकुशल वापस लाना, फिर यहाँ इतने दिन रहना, अनिता की केयर करना क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन होने के बाद अनिता 5-6 दिन बिस्तर में लेटे रही, हमने कितना स्ट्रगल किया, मम्मी ने कितना स्ट्रगल, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मम्मी ने सबसे ज़्यादा किया बच्चे के साथ अनिता के साथ। लेकिन आज अनिता भी चलने को तैयार है और मम्मी भी खुश है, दुख होने के बाद भी दोस्तों खुशी है, तो ये सबसे बड़ा खुशी है। सब अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, घर जा रहे हैं, इनको घर छोड़ के आऊँगा दोस्तों, फिर मेरी छुट्टी तो ज़्यादा है नहीं, फिर मुझे वापस आना है, फिर मुझे अकेले रहना है, फिर अकेले ब्लॉग बनाने हैं, अकेले आपको देने हैं, आपको हंसाना है, खुद भी हंसना है, कई चीज़ें ना मैं था हंसते रहना। दोस्तों सासू माँ हमारी बहुत सीधी हैं, हम कई लोग कई बार बोलते हैं बोलो बोलो करके, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, शर्माते हैं बहुत ज़्यादा। शुरू में ऐसी थी अनिता भी, लेकिन आजकल ब्लॉगिंग कर रही है तो मेरे कंधे भी चौड़े हो रहे हैं। ज्यादा चौड़े मत होना हाँ, क्योंकि मेरा जो कंधों का बोझ है वो अनिता के कंधों में जा रहा है, और तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ अनिता करेगी कुछ मैं करूँगा, फिर आने वाले समय में कुछ हमारा गुन्नू करेगा। तो अनि कैलाश फैमिली जो है बहुत आगे जाएगी और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनेंगे, अच्छी अनि कैलाश ब्लॉग को अच्छी एक ख्याति प्राप्त होगी, प्रसिद्धि मिलेगी, तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तू 15-16 दिन यहाँ रही तो बस सबसे ज्यादा याद करेगा बता चल। सबसे ज्यादा तन्नुक सबसे ज्यादा आया या खुशी? तन्नुक सबसे ज्यादा आया। देखा किसी सबसे ज्यादा प्यार तन्नुक से है यहाँ। खुशी खुशी के लिए खुशी दादी भी आ तुम पहली तन्नु को क्यों तुम खुशी दादी हाल हो तन्नु खुशी मुझे बुलाने न बना अच्छा। तन्नु मेरे भाई बड़े भाई की बड़ी बेटी है और खुशी छोटी बेटी है, तो मम्मी को सबसे ज्यादा याद तन्नु की आ रही क्योंकि मम्मी जब भी बोलती है बस तन्नु के बारे में ही बोलती है, तन्नु ऐसा करती है तन्नु ऐसा करती है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा दुलारा वही होता है जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा नटखट होता है और हरकतें ज्यादा करता है। तो तन्नु अभी जरा बड़ी है, 3 साल पूरे हो चुके हैं और खुशी को 2 साल पूरे होके 3 साल चल रहा है, तो वो खुशी कम बोलती है इसलिए तन्नु प्यारी है और वैसे दोनों प्यारी है। अच्छा आज सासू माँ के वकील क्यों बन रहे हो ये बताओ मुझे। ये सत्य है ना, कोई कम है ना कोई ज्यादा है, जो ज्यादा नटखट होता है जो ज्यादा शरारती होता है वही प्यारा लगता है दादा दादी को, इसलिए तन्नु ज्यादा प्यारी लग रही है, लेकिन आने वाले 1 साल बाद तन्नु कम प्यारी हो जाएगी और खुशी ज्यादा प्यारी होगी। आप ही की तरह ना। तो दोस्तों हंसी मजाक तो चलते रहता है, अब 9 तारीख को हमारे बेबी का नामकरण है, तो वैसे तो जिनका कांटेक्ट है कांटेक्ट नंबर है उनसे तो हमने कॉल करके निमंत्रण दे दिया है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
हमारे साथ इस ब्लॉग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह नहीं है, तो उन सभी को भी मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ मेरे बेबी के नामकरण में। तो 9 तारीख को सैटरडे के दिन हमारे बेबी का नामकरण है और नामकरण का वेन्यू है हमारे गांव में, महतगांव बागेश्वर। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आप लोग आइए और हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, बहुत टाइम बाद घर जा रहे हो। दोस्तों मैं दिसंबर में घर गया था, अभी 3 महीने हो गए हैं मुझे, अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहले अकेले गया था, अनीता नहीं आ पाई थी साथ में, आने वाली नहीं थी, उसमें ट्रैवल के लिए मना किया था। तो अभी अनीता, मैं और बेबी तीनों जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जाके अभी फंक्शन भी हैं, नामकरण है, तो कई लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे भी। और बस वेट कर रहे हैं जाने का, और वहाँ जो नामकरण है और जो आने वाले अतिथि लोग हैं सबका वेट है, और जाके एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं, आपको दिखाएंगे एक एक हर फंक्शन का, हर चीज़ का ब्लॉग दूंगा आपको, आप अन्नी कैलाश चैनल के साथ बने रहें। सबसे ज़्यादा वेट कौन से मेहमान का हो रहा है आपको बताओ? सभी का वेट हो रहा है, ऐसा कोई स्पेशल मेहमान? स्पेशल कोई नहीं है, सारे स्पेशल है। ओके, सब बराबर है। गुड। दोस्तों आज मैं खाली बैठा हूँ, मेरे हाथ खाली हैं, आज स्टिक है अनीता के हाथ में, अनीता ब्लॉगर, आज से एनी ब्लॉगर के नाम से आप अनीता को पुकारेंगे, आप कमेंट भी करेंगे तो एनी ब्लॉगर। तो अब अनीता को ही ब्लॉग बनाने हैं, मैं अब साइड हीरो हूँ, मैं हीरो कहीं कहीं पर बोलते रहूंगा, और मेन ब्लॉगर है अनीता, आप अनीता को सपोर्ट करेंगे आप। तो दोस्तों अब हमारी सोने का टाइम आया, तो हमारा बेबी उठ चुका है, अभी तक उसने अपनी नींद पूरी कर ली है और अब देखो कैसे रो रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।